हेलो एवरी क्या हाल चाल है दिस इज एस पंडित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्रुप चैनल जैसे कि आपको पता है ई की एक एक्सपेक्टेड डेट है जो कि 2 जुलाई सेकंड ऑफ जुलाई पे बात चल रही है अभी प्रस्तावित है मतलब इट इज़ नॉट द फाइनल डेट बट वी हैव टू प्रिपेयर आवर अकॉर्डिंगली हमें उसी डेट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है मतलब सेकंड जुलाई को टारगेट लेते हुए एटलीस्ट वी शुड प्रिपेयर आवर उस डेट के हिसाब से तो आज मैंने एक टाइम टेबल आपके लिए बनाया है इट्स सेवेंटी डेज टाइम टेबल सेवेंटी फाइव डेज आपको इस तरीके से फॉलो करना है एक चीज और है इस टाइम टेबल के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को भी हमने बाइफरकेट किया जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा जैसे इंग्लिश के अंदर जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इन सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है और इसके नीचे इनके इंपॉर्टेंट इन सारे टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर और फाइव टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने जिनसे क्वेश्चन आने की हंड्रेड संभावना है उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है ये पूरा पीडीएफ जो है ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल के नाम से फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें हमने सारे टॉपिक्स टॉपिक्स पूरे सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के ऐसे जैसे इंग्लिश है ऐसे लेबर लॉस इंडस्ट्रियल रिलेशन सबके मैथमेटिक्स आपका पॉलिटी गवर्नेंस सबके हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है हमारी टीम ने तो आपको मिल जाएगा फ्री में पीडीएफ उसके अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा उससे ज्वाइन कर लेना डायरेक्टली अदरवाइज सर्च कर लेना कैशलेस ग्रुप ऑफिशियल आपको मिल जाएगा डेढ़ लाख से ऊपर उसके अंदर मेंबर्स हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और ई पी एस सी ई पी दोनों एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज और ईपीएफ टाइम टेबल की बात कर लेते हैं टाइम टेबल आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा ये भी पीडीएफ उसी ग्रुप में मिल जाएगा साथ में एक हम लोग टॉपर सेशन रखने वाले हैं जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम लोग आपको तो कुछ एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेशन है से वो पे पे भी आएंगे क्लासेस ऑलरेडी आ रही हैं तो जरूर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा हेल्प मिल जाएगी इस टाइम टेबल के अंदर जो सबसे प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक्स है देखो एक चीज ध्यान रखना है मैंने हर टॉपिक को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं आपको उन डेज के हिसाब से टॉपिक्स करते चले जाना है रोज कम से कम आपको ऐसे करके मान के चलो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे करंट अफेयर का टॉपिक हो गया ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया आपका इसको आपको कहीं ना कहीं हफ्ते में दो बार पढ़ना है हफ्ते में दो बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपको पता नहीं वो क्या पूछ ले तो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे लास्ट में पांच दिन का करंट अफेयर का एक सुपर शॉर्ट रिवीजन सीरीज रखी है जो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे तो आपको उससे भी काफी फायदा होगा जो पांच दिन की सीरीज है टाइम टेबल में सबसे पहले दस दिन दिए गए हैं लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन को जो कि बहुत ही हैवी वेट टॉपिक है और इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने लोग हमारे यहाँ ग्रुप में जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया आपको पता है हमारा बैच टू का एडमिशन ओपन है दो हज़ार में सारी चीज़ें उसमें दी जा रही हैं ए टू जेड उनको सिर्फ और सिर्फ बार बार मैं बोलता हूँ क्लास का जो टाइम टेबल है वही फॉलो करना है क्लासेस को ही देखना है क्वेश्चन जो क्लास में दिए जाते हैं वही प्रैक्टिस करने हैं टेस्ट सीरीज क्लास में जो मिलेगी वही करना बाहर से कुछ नहीं करना और कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना उसके अलावा हम आपका टाइम टेबल खुद ब खुद बना के क्लासेस उसी हिसाब से दे रहे हैं जितनी क्लासेस आपको मिलती जा रही है उनको कवर करो और उसके साथ साथ चलते रहो करंट अफेयर भी अपलोड हो रहा है और करंट अफेयर भी अपलोड होता रहेगा तो आपको सिर्फ क्लासेस के साथ चलना है जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है जो अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहते हैं दिस वीडियो विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर देम उनके लिए ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ठीक है बाकी जो कोर्स में है उनको तो जो हम करा के दे रहे हैं आपको सब कुछ फॉलो करना है आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बैच टू में एडमिशन ओपन है ठीक है सारी क्लासेस जो हो चुकी होती है वो सेफ मिल जाती है तो दो या तीन दिन में आप उनको कवर कर सकते हो टाइम टेबल आपको वही मिल जाएगा लेबर लॉस को दस दिन दिए हैं टेन डेज का इनिशियल टारगेट रखो दस दिन का जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस कवर कर लेना है इसके माइंड मैप मैं आज ग्रुप में प्रोवाइड कराने वाला हूँ लेबर लॉस का जो बेसिक माइंड है आपसे और नोट्स में कुछ प्रोवाइड करा भी चुका हूँ आने वाले टाइम पे और प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में उनसे आप रेफर कर सकते हो बट क्वेश्चन जरूर लगाना और कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करना क्योंकि कॉन्प्ट के बिना ये टॉपिक सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन ध्यान रखना है नेक्स्ट जो दस दिन का टारगेट मैंने दिया है सोशल सिक्योरिटी और गवर्नेंस को दिया है देखो गवर्नेंस जो है ये ए के सिलेबस के अंदर है ए का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे आप जानते हो उसकी सैलरी भी ज्यादा है कमिश्नर की पोस्ट है तो ऑबियस बात है थोड़ा सा सिलेबस उसका ज्यादा है तो सोशल सिक्योरिटी और गवर्नेंस वाला जो पार्ट है इसको मैंने नेक्स्ट टेन डेज का टारगेट दिया है आप पहले लेबर लॉज कंप्लीट कर लो फिर सोशल सिक्योरिटी और गवर्नेंस कंप्लीट कर लो उसके बाद मैंने मेंटल एबिलिटी को दस दिन दिए हैं दस दिन आपको मेंटल एबिलिटी करना है ये आप टाइम टेबल ऐसे भी चला सकते हो कि आपने क्या किया दस दिन इनिशियल टारगेट किया दस दिन में आपने दो सब्जेक्ट को पैरल ले लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर शुरुआत के दो टॉपिक्स को जोड़ते हैं तो 20 दिन हो जाते हैं तो 20 दिन में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 20 डेज में मैं दो सब्जेक्ट चला रहा हूँ जिसमें मैं सुबह पढ़ रहा हूँ लेबल लॉस इंडस्ट्रियल रिलेशन और शाम को पढ़ रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी और गवर्नेंस तो मेरे दो टॉपिक पैरल में चल रहे हैं ट्वेंटी डेज तक तो दो टॉपिक को चलाऊंगा तो इस बीस दिन में जो अलग अलग दस दिन कर रहा था बीस दिन में मैं दो टॉपिक कवर कर सकता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है मेंटल एबिलिटी का टारगेट है जिसमें मैथमेटिक्स और सब चीजें आ जाती है स्टेटिस्टिक्स सब कुछ आ जाता है प्रैक्टिस करना हैर एस अग्रवाल इज द मोस्ट हेल्पफुल बुक आप जानते हो आर एस अगरवाल हमेशा से अच्छी बुक रही है प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हो उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी कोर्स ज्वाइन किया तो कुछ नहीं करना है फ्रीडम स्ट्रगल और आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर मैंने खुद पढ़ा है फ्रीडम स्ट्रगल मैंने खुद पढ़ाया है तो जितनी मेरी क्लासेस है उनके बाहर कुछ नहीं आने वाला हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है यू पी एस सीवल सर्विसे में नहीं आता है तो यू पी एफ ओ में कैसे आ जाएगा अकाउंटिंग को उसके बाद मैंने दस दिन दिए हैं अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि खास तौर से उनको बहुत दिक्कत आती है जो जीरो लेवल से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका अकाउंटिंग में दिक्कत होती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है उसका तो अकाउंटिंग बेसिक क्लियर होता है उसको इतना इश्यूज़ नहीं आते हैं तो अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है अकाउंटिंग कुछ नोट्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कराए थे आने वाले टाइम पर और प्रोवाइड करा दूंगा जो कोर्स में चल रहा है वो क्लासेस जितनी आई हैं अभी और भी आएंगी आपको अकाउंटिंग पूरा क्लास के अंदर मिल जाएगा दस दिन आपने अकाउंटिंग को देने हैं उसके बाद कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस को मैंने पाँच पाँच दिन दिए हैं कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं करना है मैंने पहले भी बताया है की बुक आती है या लूसेंट आती है लूसेंट ले लो लूसेंट की बुक से कंप्यूटर साइंस और आपको ये जनरल साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आपको लूसेंट से मोर देन इनफ है फिलूसेंट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम में पांच पांच दिन देखिए दोनों को कवर कर सकते हो प्रैक्टिस छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट उसके बाद करंट अफेयर पॉपुलेशन और इकोनॉमी इकोनॉमी यहां पे ई के अंदर जनरली करंट अफेयर एसोसिएट करके पूछा जाता है तो आपको करंट अफेयर और इकोनॉमी को जब पढ़ रहे हो इकोनॉमी में जैसे बजट हो गया इकोनॉमिक सर्वे हो गया क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहा है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जस्ट बाद हो रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर पूछा जाएगा क्लास के अंदर आपको वो क्लासेज मिल जाएंगे जब अभी जो आपकी क्लासेज चल रही है उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक अलग से हम फोल्डर बनाएंगे उसमें अलग से अपलोड किया जाएगा उस पर स्पेशल दस बारह घंटे की क्लास रहेगी सिर्फ इस पर क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट उसके हंड्रेड

पॉलिटी को पाँच दिन दिए हैं क्योंकि पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स बेसिक वो आप आ, मैंने ही यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर डाले हुए हैं आप रेलिस में जाना पॉलिटी की के वो पूरी देख लेना उसी से काम हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है फिर हमने लास्ट में ये तो पचहत्तर दिन हो गए हमारे पचहत्तर दिन को दो दो दिन का भी टारगेट दो दो सब्जेक्ट को भी पैरल ले सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया बीस दिन में दो सब्जेक्ट कर लिए फिर नेक्स्ट बीस दिन में दो सब्जेक्ट कर लिए लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू नेक्स्ट दस दिन का टारगेट जो रखा है वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो हमारे कोर्स में है उसमें हमने एम और टेस्ट सीरीज रखा है टेस्ट सीरीज़ अभी तक हमने सिर्फ कोर्स वालों के लिए ही ओपन करेंगे हम आने वाले टाइम पे एम हम टॉपर्स से करवाने वाले हैं जो ई के टॉपर्स हैं या ई में काफ़ी टाइम से सलेक्शन लेके बैठे हुए हैं उन लोगों से करवाने वाले हैं कास्ट के अंदर टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने अभी जो प्लान है वो यही है कोर्स वालों के लिए बट अगर आप चाहते हो हम टेस्ट सीरीज़ सबके लिए ओपन करें बहुत सस्ते प्राइस में रहेगी इतना सस्ता कैटलिस्ट में हमेशा सब कुछ अफोर्डेबल रहता है आप जानते हो हमारा बेस ही अफोर्डेबल एजुकेशन है हमारे जो आप लोग हो आप लोग की वैसे ही कैटलिस चलता है हमेशा और चलता आ रहा है तो आप लोग के प्यार की वजह से ही सब कुछ आगे बढ़ा है रोफफली दो ही चीज़ें हैं बस कैटलिस्ट में आपका सपोर्ट और आपका रिजल्ट आप पढ़ते हो आप रिजल्ट निकालते हो आप सेलेक्शन देते हो उसी से हमारा काम हो जाता है तो टेस्ट सीरीज हम लोग अगर आप जरूर चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना डेफिनेटली विल बी ट्राइंग टू ओपन दैट फॉर यू ऑल्सो आपके लिए भी ओपन करेंगे स्टडी मटीरियल हम लोग कंटिन्यूसली ग्रुप में दे रहे हैं आने वाले टाइम पे इस महीने में और आपको बहुत सारा करंट अफेयर बहुत सारे स्टडी मटेरियल अलग अलग सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं आज ही मैं माइंड मैप एक बनवा रहा था बहुत सारे लेबर लॉस के माइंड मैं अलग से आपके लिए बनवाए हैं खुद निकाल के बनवाए हैं तो वो आप जरूर पढ़ना वो सबको फ्री में दे रहा हूं जो लोग नहीं भी कुछ लोग कोर्स अफर्ड लो नहीं कर पाते हो तीन हजार का भी नहीं कर पाते हो तो uh, उनको वो हेल्प हो जाती है एंड इफ यू कैन डू यू कैन डेफिनेटली परचेज द कोर्स बिकॉज आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम द कोर्स ओनली पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं के से ही सिलेक्शन होते हैं आप जानते हो मैक्सिमम तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए बट इफ़ यू के नॉट अफोर्ड यू शुड डेफिनेटली भी ज्वाइनिंग द ग्रुप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो एंड यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम देर ये अपना प्लानिंग है जिसमें पचहत्तर दिन का हमारा एक टाइम टेबल है टन डेज का हमारा रेगुलर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस है इस तरीके से अगर आप फॉलोअप करते हो तो आपको जरूर आगे सक्सेस मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया है उस उसमें मैं डिटेल्ड पी डी एफ विद टॉपिक विद इंपॉर्टेंट इस वीडियो के बाद दे दूंगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो उसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी इसके अलावा सीखना चाहते हो कोई और चीज़ रिक्वायरमेंट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे सारी चीज़ें ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक पहले वाले कमेंट में है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो दो हज़ार नौ सौ निन्यानवे कोर्स है यू कैन डू दैट ऑल्सो उसको भी ई में परचेज़ कर सकते हो सीधा वेबसाइट पर जाना है क्लिक करना है दो ऑप्शन आएंगे ई का या विदाउट ई एम आई यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट ऑन दैट एंड यू कैन प्रोसीड ठीक है सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी बाकी पहले वाले कम्फर्ट नहीं मिल जाएगी बाकी खुश रहो मेहनत करते रहो दिमाग लगाते रहो लाइफ में अगर कोई एम सेट किया है तो एम आ, पूरा करो मैंने भी गवर्नमेंट सर्विसेज जब ज्वाइन किया था तो मैं तैयारी करता था बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था तभी उस लेवल पर पहुंचा था और उसके बाद फिर जब आ, अब रिज़ाइन करने के बाद इतने सारे ऑफिसर्स बना दिए आप लोग सेलेक्ट होते होते रहते हो तो खुद को भी मोटिवेशन मिलता है कि जॉब छोड़ के इस लेवल की इस डायरेक्टर कमिश्नर लेवल की जॉब छोड़ के मैंने कुछ तो लाइफ में अच्छा किया है कि इतने सारे लोग आप बना पा रहे हो जब आप लोगों के घर से कॉल आती है आप लोग के मदर फादर की बच्चा वाला सेलेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है और अपनी जीवन ऐसा लगता है कि सफल हो रहा है तो आप लोग बस मेहनत करते रहो इसी तरीके से रिजल्ट निकालते रहो बाकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो थैंक यू